जो शहर के मुसलमान भाई है उन सब ने आज ईद के मौके पर नमाज पठन किया है। सब कुछ बहुत शांति के साथ हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हमारे शहर के सभी लोग अमन और शांति के साथ मिलजुल कर भाईचारे में रहेंगे और शहर एक हमारा खुशहाल शहर हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। आगे तो जो हो गया तो हो गया, आ गया, अभी एहतियात बरतना जरूरी है कि अगर ऐसा आगे ना हो और अपने जिंसी का नाम खराब ना हो, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, सब में मिलजुल के रहना चाहिए। मैं ये आपसे अपील करता हूँ। मुझे 3.5 साल में जो काम किया सब लोगों ने साथ दिया और सब ने साथ मिल के काम किए, मगर ये कैसा इंसिडेंट हो गया, क्या हो गया, मुझे बहुत दर्द होता है कि ऐसा हो गया। कितना इतना मैं अच्छा रहेगा और सब मिलजुल के रहते थे, मगर ये लोगों ने ऐसे क्यों स्टेप उठाए। ठीक है, वो जिन्होंने कानून हाथ में लिए वो कानून अपना काम करेगा, ज़्यादा इस मौके पर बोलूँगा नहीं। खुशी का मौका है, इस मौके पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी जगह छावनी ईदगाह हो, रोजाबाग ईदगाह हो, शाह चोकता हो, उस्मानपुरा हो, सभी जगह बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो शहर के मुसलमान भाई है उन सब ने आज ईद के मौके पर नमाज पठन किया है। सब कुछ बहुत शांति के साथ हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हमारे शहर के सभी लोग अमन और शांति के साथ मिलजुल कर भाईचारे में रहेंगे और शहर एक हमारा खुशहाल शहर हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। सभी को एक बार फिर से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। महीने के मौके पर सबसे पहले मैं अभी सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को हमारी तरफ से इस पवित्र मौके पर हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अभी यहाँ का माहौल देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और ऐसा ही माहौल शांति अमन चैन अपने देश में कायम रहे, यही ऊपर भगवान से अल्लाह से दुआ करते हैं। अपने देश में भाईचारा अमन शांति चैन कायम रहे, यही मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जो भी पिछले महीने में या 10-15 दिन में जो वाकया हो गए ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना एक शांतता प्रिय शहर है और विविधता में एकता, ऐसा अपना देश है, तो यही माहौल कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, सामाजिक जातीय धार्मिक सौहार्द कायम रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और फिर से आप सभी को, आपके टीम को और हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों को, सभी भाइयों को इस मौके पर हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। सर एक सवाल, आपने 3-4 साल जिंदगी में गुजारे सर, कभी कुछ नहीं हुआ और आपके जाने के बाद हुआ, तो कैसा कल कैसा महसूस कर रहे थे आप एक बतौर अधिकारी? नहीं, एक बतौर जो हुआ ये तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा वाकया होगा और ये होना नहीं, इसलिए आगे तो जो हो गया तो हो गया, आ गया, अभी एहतियात बरतना जरूरी है कि अगर ऐसा आगे ना हो और अपने जिंसी का नाम खराब ना हो, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, सब में मिलजुल के रहना चाहिए। मैं ये आपसे अपील करता हूँ। मुझे 3.5 साल में जो काम किया सब लोगों ने साथ दिया और सब ने साथ मिल के काम किए, मगर ये कैसा इंसिडेंट हो गया, क्या हो गया, मुझे बहुत दर्द होता है कि ऐसा हो गया। कितना इतना मैं अच्छा रहेगा और सब मिलजुल के रहते थे, मगर ये लोगों ने ऐसे क्यों स्टेप उठाए। ठीक है, वो जिन्होंने कानून हाथ में लिए वो कानून अपना काम करेगा, ज्यादा इस मौके पर बोलूंगा नहीं। खुशी का मौका है, इस मौके पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब वो हादसे के पास से मैं गली में घूम रहा था तो माता पिता कह रहे थे, जिनके बच्चे अंदर के, कह रहे थे आप केजरीवाल साहब रहते थे तो आज हमको मुसीबत नहीं आती थी। सर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा क्या बात? नहीं, अभी वो उनको मालूम, उन्होंने बताएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके दिल में क्या है। तो रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।